थोड़ी सी भगवान शांतिनाथ की कथा को सुन लेते हैं, अर्थात उनके तीन तीन कल्याणक आने वाले हैं। तो आप सब भी उन कल्याणकों में अभी से सम्मिलित होकर के भाव बनाएंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। हस्तिनापुर के हैं आदिनाथ, हस्तिनापुर के हैं आदिनाथ। कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, तीन लोक के ईश्वर बनकर। काल अनादि से जग में रह कर, कैसे चले वे फिर शिव पथ पर। जानेंगे हम सब यह भी बात, जानेंगे हम सब यह बात। बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। बंधुओं, आगे जानेंगे हम राजा श्री सेन की जीवन यात्रा में क्या परिवर्तन आया, अर्थात रत्नपुर में राजा श्री सेन राज्य करते थे और उनकी दो रानियां थीं, उनसे दो पुत्र जन्मे, इंद्रसेन और उपेंद्र सेन। एक दिन सब ने मिलकर के चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिया और उनके घर में एक नारी और रहती थी सत्यभामा, उसके साथ भी उन लोगों का संबंध जुड़ जाता है, अर्थात आगे भवों में उस कन्या का भी संबंध जुड़ता है। तो आगे क्या होता है ये जानना है आपको। उनके दोनों पुत्रों का विवाह हो गया। तभी एक बार राजकुमार इंद्रसेन की रानी श्रीकांता के साथ एक सुंदर कन्या ने राजमहल में प्रवेश किया, यानी राजमहल में श्रीकांता के साथ वह आई। तो उसको देखकर दूसरा राजकुमार जो था उपेंद्र सेन, उसका मन उस कन्या के ऊपर आसक्त हो गया। और ये कहानी शुरू होते ही राजघराने की स्थिति ही बिल्कुल अलग हो गई। आइए जानते हैं कि फिर क्या हुआ। यही प्रेम के किस्सा सुनो, इस प्रेम का किस्सा सुनो, राजकुंवर की जुबानी है, यह है और कुछ भी नहीं, सारे जग की कहानी है। एक प्यार का किस्सा सुनो, युवराज की जुबानी है, यह और कुछ भी नहीं, सारे जग की कहानी है। एक प्यार का किस्सा सुनो, हर प्राणी अनादि से विषय भोगों में जकड़ा है, मोह मदिरा को पी करके निज मन को ही पकड़ा है। इसको तजने वालों की बनी अमर कहानी है, यही है और कुछ भी नहीं, सारे जग की कहानी है। एक प्रेम का किस्सा सुनो, राजा श्री सेन के पुत्र का प्यारा नाम उपेंद्र सेन था, एक कन्या पे मोहित हो उसने खेला अजब खेल था। दो भ्राताओं के युद्ध की, तो क्या हुआ, दोनों भाइयों में युद्ध छिड़ गया।
दोनों भ्राताओं के युद्ध की रोमांचक कहानी है, ये है और कुछ भी नहीं सारे जग की कहानी है। एक प्रेम का किस्सा सुनो, युवराज की जुबानी है। पिता श्री सेन जब पुत्रों का, यानी पिता श्री सेन दोनों पुत्रों का युद्ध देखते हैं, समझाते हैं, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं। तो क्या हुआ? पिता श्री सेन जब पुत्रों का यह कृत्य न सह पाए, दोनों रानियों के संग विष पुष्प सुंग कर भोग भूमि पाए। सत्यभामा की भी ऐसी मरने की कहानी है, ये है और कुछ भी नहीं सारे जग की कहानी है। एक प्यार का किस्सा सुनो, युवराज की जुबानी है, ये है और कुछ भी नहीं सारे जग की कहानी है। बंधुओं, ये तो सारे संसार के अंदर है। मोह महा मद पियो अनादि, इस प्राणी ने मोह रूपी मदिरा को अनादिकाल से पी रखी है, इसीलिए इसको विवेक नहीं रह जाता और जरा जरा से बातों में मन को विकृत करने लगता है। यही कुछ हुआ युवराज उपेंद्र सेन के साथ। जब एक कन्या, सुंदर कन्या घर में आई तो उसके ऊपर मन आसक्त हुआ, दूसरे भाई ने रोका, युद्ध शुरू हो गया और पिता श्री सेन भी उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए, इसलिए असहाय हो गए। यानी पहले उन्होंने मुनि को आहार दिया था, भोग भूमि के मनुष्य की आयु का बंद कर लिया था। तो आपको सैद्धांतिक रूप से समझना है कि वहां सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त नहीं किया, इसीलिए राजा श्री सेन के भाव आत्महत्या के हो गए। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी आत्महत्या नहीं करता। जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र नहीं मान रहे हैं, तब एक विष पुष्प, जहरीला पुष्प था और उसको सूंघा और तुरंत काल के गाल में समाहित हो गए। उनकी पत्नी ने भी उस विष पुष्प को सूंघ लिया और वो भी परलोक सिधार गई। और सत्यभामा ने देखा, हम तो इन्हीं के सहारे यहाँ थे और अब हम इन पुत्रों के राज्य में रह करके क्या करेंगे। उसने भी विष पुष्प सूंघ करके अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ली। तो ध्यान रहे कि राजा रानी ने मुनियों को आहार देकर उत्तम भोग भूमि की तीन पल्ल की आयु, असंख्यात वर्षों की आयु का बंद कर लिया था, इसलिए वे उत्तम भोग भूमि में गए। उत्तर कुरु में शांतिनाथ पुराण के अंदर आया है, उत्तर पुराण में पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने छोटी सी पुस्तक लिखी है भगवान शांतिनाथ, मैंने उसी का अध्ययन किया कि छोटी पुस्तक होते हुए भी गागर के अंदर सागर भरा हुआ है। भगवान शांतिनाथ के 12 के 12 भाव उसमें बहुत सुंदरता के साथ दिए गए हैं। तो राजा रानी ने तो आहार दिया था और सत्यभामा ने दान की अनुमोदना की थी। तीनों मर करके भोग भूमि में जाते हैं, आर्य और आर्या हो जाते हैं। आगे क्या होता है? यानी राजा की दोनों रानियां मर गईं, विष पुष्प सूंघ करके, और सत्यभामा भी चली गई भोग भूमि में। फिर आगे वे जा करके दंपत्ति बन जाते हैं, अर्थात राजा शिव श्री सेन की रानी थी शिव नंदिता, और वह जाकर के श्री सेन के साथ आर्या के रूप में युगलिया उत्पन्न होते हैं और वे भी आगे पति पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी रानी जो थी वह जाकर आर्य बन जाते हैं और ये सत्यभामा
आर्या बन जाती है। ऐसे चार लोगों का भाव दो युगलिया के रूप में जुड़ जाता है और दोनों युगल भोग भूमि में जाकर के पति पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं। आगे सुनते रहिएगा भगवान शांतिनाथ का रोमांचक कथानक। एक पिता अपने पुत्र के निर्णय से कितना व्यथित हुआ और उसको आत्महत्या करनी पड़ी, तो मिथ्यात्व के प्रभाव से, लेकिन आहार दान दिया था इसके कारण वो भोग भूमि में चले गए। आगे क्या होता है कल जानेंगे। और अब आचार्य श्री